गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 विच एशियन कंट्री हैज शोन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी सस्टेनली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। आंसर चाइना। विच एशियन कंट्री हैज शोन अ डिक्लाइन इन पॉवर्टी, तो वो कौन सा देश है, एशियन देश है, तो वो है चाइना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू सोशल ग्रुप which are most vulnerable to poverty. Scheduled caste, yani SC, and scheduled tribe, ST. Mention any one historical reason for poverty. Poverty का आपको historical reason बताना है, गरीबी का। Answer, low level of economic development under the British. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्ट थ्रू विच, दो विच नहीं थ्रू विच, आर ओ पी एच आर ओ यू जी एच, नेम द एक्ट थ्रू विच अ पुअर पर्सन कैन गेट 100 डेज एज योर एम्प्लॉयमेंट। नेम द एक्ट, उस एक्ट का आपको नाम बताना है थ्रू विच, जिसके माध्यम से एक पुअर पर्सन, एक गरीब व्यक्ति कैन गेट 100 डेज अक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें उसको 100 दिन का रोजगार मिलता है, वह नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ स्कीम विच वॉज लॉन्च टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेटेड यूथ इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो एजुकेटेड पढ़े लिखे यूथ के लिए, यूथों के लिए जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, लॉन्च की गई थी, वो उस स्कीम का नाम क्या है, द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। आंसर है द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। What is basic objective of Swaranjayanti Gram Swarojgar Yojana? The program answer note kariye, the program aims at bringing the assisted poor families above the poverty line by organizing them into self help group through a mix of bank credit and government subsidy. Mention any two anti-poverty programs adopted by the government. Government mention any two anti-poverty programs. जो anti-poverty programs सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, उनके आपको दो के किसी के नाम लिखने हैं। तो first लिखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा 2005। नेक्स्ट दूसरा आपको लिखना है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी NFWP, डेट इसमें डेट डालिए 2004 यानी 2004। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, में क्या रिलेशन है उसको आपको नोट करना बताना है। आंसर है द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन। व्हाट इज एंटी पॉवर्टी मेजर, एंटी पॉवर्टी मेजर क्या है, वेरियस मेजर्स और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी आर नोन एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स। नंबर हम अपने आपको गिविंग वर्क एंड ऑरल वर्क, दोनों चीज़ें नोट कर ली है मैंने।